Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग पिछले लेक्चर में हमने ब्रेन के बारे में जो बेसिक जानकारी थी उसको हमने पढ़ लिया है। आज पार्ट्स ऑफ ब्रेन मतलब मस्तिष्क के भाग के बारे में आज जानेंगे। मस्तिष्क के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, उनका काम क्या होता है, फिर वहाँ से जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं वो चीज़ हम जानेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जैसे भूख लगना, प्यास लगना, या फिर खेलना, कूदना, दौड़ना, चलना, फिरना, ये सभी सारी प्रक्रियाएं माइंड का कौन सा भाग है जो कंट्रोल करता है। जैसे अलग अलग मान लेते हैं कि भूख लग गई आपको, भूख लगने की जो बात माइंड में आती है वो माइंड के किस भाग में आती है, उसको कौन कंट्रोल करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। उसके बाद कभी आप दौड़ रहे होते हो, कभी आप दौड़ रहे होते हो तो कभी ऐसा लगता है कि आपका शरीर आगे की तरफ झुका जा रहा है। कभी आप दौड़ रहे होते होगे तो ऐसा लगता है कि आपका शरीर जो आगे की तरफ झुका जाता है। अब यदि उस शरीर को आगे की तरफ झुक रहा है जो उसको कंट्रोल ना करे माइंड, तो क्या होगा कि एक समय आएगा कि शरीर आगे की तरफ गिर जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। तो होता क्या है कि जैसे ही शरीर आपका आगे की तरफ झुकता है तुरंत तो आपका माइंड, एक माइंड का एक पार्ट है वो एक्टिवेट हो जाता है, और जैसे ही शरीर आगे झुकने लगती उसको तुरंत पुनः स्टेबल कर देता है, सीधी कर देता है। उसके बाद क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आंख का झपकना, जो आपकी आंख झपकती रहती बार बार ऐसे, या फिर ऐसे मान लेते हैं कि कोई चीज ऐसे, कोई ऐसी वस्तु अचानक एकाएक अगर हम आंखों के सामने ले आए तो आपकी मतलब आंखें की जो पटल है वो एकाएक बंद हो जाती है, तो वो भी माइंड का एक कार्य है कि किस माइंड के या फिर किस माइंड पार्ट के द्वारा ये कंट्रोल होती है। ठीक है, उसके बाद आपके आपसे ये पूछ सकता है कि फीलिंग्स जनरेट होती है, जैसे फीलिंग्स जनरेट होती है कि किसी पर प्यार आ गया है, किसी के प्रति घृणा आ गई है, तो ऐसे सारे ये सब क्वेश्चन या फिर इन सभी भावनाओं को कौन सा माइंड का पार्ट कंट्रोल करता है, इन सब के बारे में क्वेश्चन। फिर ऐसे अगला रेस्पिरेटरी सिस्टम, भाई हम सांस लेते हैं, खाते हैं, भोजन करते हैं, चलते हैं, तो ये सभी प्रक्रिया माइंड का कौन सा पार्ट है जो कंट्रोल करता है। भोजन को आप देखते हो, भोजन को देखते ही आपके मुख में क्या लार बन जाती है, ये भी एक माइंड का ही सिस्टम है। जैसे आपने भोजन को देखा अपने आप ही आपके मुख में लार एक्टिवेट हो जाती है। अब वो माइंड के अनुसार मतलब माइंड में वो सूचना गई कि हाँ भोजन सामने रखा हुआ है। अब क्या है कि भोजन ने मतलब माइंड ने तुरंत तो सूचना दिया मुख की जो लार ग्रंथियां हैं कि वो लार प्रोड्यूस करें, तो तुरंत लार प्रोड्यूस होती, तो वो जो सूचना देने वाला केंद्र है, जो सूचना दे रहा है उसी केंद्र का नाम बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम उन्हीं को यहाँ से देख लेते हैं, और ये हमने एक फिगर बनाया है, इस फिगर के माध्यम से समझा। यहाँ पे ऊपर लिखे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के तीन पार्ट होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और फिर उसके बाद दो और हैं। अब क्या है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा आपका जो क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, या ज्यादा क्या लगभग क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट, एक ब्रेन है और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड को हम हिंदी में मेरु रज्जु कहते हैं, क्या मेरु रज्जु, इसको यहाँ पर मेरु रज्जु स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में मेरु रज्जु, और ब्रेन को तो मस्तिष्क समझते ही है, मस्तिष्क। अब देखेंगे ब्रेन को हमने पिछली क्लास में पिछले लेक्चर में डिफाइन कर दिया है। ब्रेन का मतलब ये इसके जो बेसिक पॉइंट थे वो हमने डिफाइन कर दिया। अब क्या करना है, इसके अंदर वाले पार्ट को डिफाइन करना, मतलब इसके पार्ट्स कौन कौन से। तो ब्रेन के मेनली तीन पार्ट्स हैं, यहाँ पर देखिए कौन कौन से भाग है। एक तो फोर ब्रेन है, कौन सा है, फोर ब्रेन, एफ वी हमने लिखा है, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का मतलब अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, उसके बाद एक मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन ये मध्य मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क। और फिर हैंड ब्रेन, हैंड ब्रेन पश्चिम मस्तिष्क। मस्तिष्क के कितने पार्ट, तीन पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और फिर पश्चिम मस्तिष्क। आइए इनको हम देख लेते हैं कि अग्र मस्तिष्क कहाँ पर है, मिड कहाँ पर है, फिर हैंड ब्रेन कहाँ पर है। देखेंगे यहाँ पर ये जो एक ये खोखली जैसी संरचना आपको दिख रही, बीच बीच में ऐसे ये भाग बना हुआ है, यहाँ से लेकर के उसके बाद फिर यहाँ तक, देखिए ये डॉटेड लाइन हरे कलर की दिख रही है आपको, इसको नहीं लेना, मतलब यहीं से इसको छोड़ देना है, बाकी का सारा ये ऊपर वाला भाग, सारा ये ऊपर वाला भाग
जब आप देखोगे तो लगभग यहाँ से लेकर के ये पूरा का पूरा पार्ट जो आप देख पा रहे हैं, ये सारा का सारा भाग फोर ब्रेन है आपका। कौन सा भाग है? तो हम कहेंगे अग्र मस्तिष्क है। उसके बाद अगला है क्या? मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क कहाँ पर है? तो देखेंगे यहाँ पर हमने डॉटेड लाइन से एक बनाया है भाग, डॉटेड लाइन, और यहाँ पर लिखा है मिड ब्रेन। डॉटेड लाइन बनाई है और उसे लिखा है मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन कहाँ पर मिलेगा? मतलब ये ऊपर वाला भाग तो फोर ब्रेन हो गया, उसके बाद डॉटेड लाइन के नीचे नहीं देखना, डॉटेड लाइन को देखिए, उसको डॉटेड लाइन के नीचे वाला पार्ट छोड़ दीजिए। बीच में ये दिख रहा है छोटा सा पार्ट, यही भाग क्या है? ये भाग है मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क है। उसके बाद अगला हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन का मतलब पश्चिम मस्तिष्क कौन सा है? तो अब देखेंगे, ये तो यहाँ से लेकर के ऊपर वाला भाग फोर ब्रेन हो गया, बीच वाला भाग मिड ब्रेन हो गया, फिर बीच में उसके बाद फिर उसके नीचे जो भी पार्ट बचा, उसके नीचे हमारे ब्रेन का जो भी पार्ट बचा, उस सबको मिला करके हमने क्या कह दिया कि वो सारा का सारा पार्ट। जैसे यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? पॉन्स वेरोलाई, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा और फिर सेरिबेलम, ये सारे पार्ट के, ये सब किसके पार्ट है? तो हम कहेंगे हैंड ब्रेन के पार्ट है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर है? तो देख रहे हैं सबसे नीचे, क्या सबसे नीचे? ऐसी मतलब ये आपका माइंड है, माइंड के बाद सबसे नीचे वाले पार्ट में रस्सी की तरह एक ऐसी झूलती हुई संरचना, आपको ये कहाँ तक चली जाती है? तो ये आपकी रीढ़ की हड्डी मतलब कमर तक पहुँचती है। कहाँ तक पहुँचती है? कमर तक। ये आगे भी विस्तृत है, कमर तक जाती है, तो इसी को यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। एक बात यहाँ पर हम स्पष्ट कर दें, स्पाइनल कॉर्ड और फिर जैसे ये मेरुरज्जु, आपने दो शब्द सुने होंगे हिंदी में, एक मेरुरज्जु होता है और एक मेरुदंड होता है, दोनों अलग अलग हैं। मेरुरज्जु अलग है, मेरुदंड अलग है। रज्जु का मतलब होता है रस्सी, ऐसे समझ लीजिए, रज्जु का मतलब होता है रस्सी। अब रज्जु का मतलब रस्सी कह दिया हमने, तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड होगा, मेरु वाला जो भाग होगा, वो रस्सी की तरह खिंचा होगा। किस तरह से बना होगा? रस्सी की तरह, मतलब मुलायम होगा। और फिर दंड, मेरुदंड, दंड का मतलब कठोर भाग, डंडे की तरह। तो जो कठोर भाग मेरुदंड हम पढ़ते हैं, वो हम बोन्स में पढ़ते हैं, या कहेंगे कंकाल तंत्र में पढ़ते हैं, हड्डी से, हड्डी है वो हमारी रीढ़ की हड्डी, जिसको मेरुदंड कहते हो। लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये हम मस्तिष्क में पढ़ते हैं, मतलब नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं, ये हमारे मस्तिष्क का पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है, इसलिए हम इसे यहाँ पढ़ेंगे। मतलब ये भी सूचनाओं का एक केंद्र है, ये भी हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, क्या? स्पाइनल कॉर्ड। तो अब यहाँ से ये गलती मत कीजिए कि मेरुदंड और मेरुरज्जु में अंतर क्या है। तो मेरुरज्जु क्या होगा? हाँ, हम ये बात ये बता दें कि जैसे आप मान लेते हैं कि ये एक खोखला है, क्या? खोखला बांस, ऐसे मान लेते हैं कि खोखली एक पाइप है, और ये पाइप बाहर से बहुत कड़ी है, क्या? बाहर से बहुत कड़ी है, और अंदर इस पाइप के अंदर हम क्या डाल दें? एक मुलायम सी रस्सी ऐसे डाल दें, क्या कर दें? मुलायम सी रस्सी डाल दें, और उस रस्सी का नाम लिख दें रज्जू है, और ये पाइप जो है इसको हम लिख दें दंड है, ठीक है। अब जैसे कैसे समझेंगे, देखिए, ये इस दंड और इस रज्जू के सामने हम मेरु लगा दें, अब तुरंत आप समझ जाओगे क्या कि जो कठोर वाला भाग है, उस कठोर वाले भाग को आप हड्डी कहोगे, और वही रीढ़ की हड्डी होती है, तो मेरुदंड उसे कहेंगे। और मेरुरज्जु क्या होती है? ये माइंड वाला पार्ट होता है, मतलब ब्रेन का पार्ट होता है, और इसी मेरुदंड के अंदर खोखले वाले भाग में ये अंदर तक कमर तक गई रहती है, और इसका नाम क्या होता है? सो मेरुरज्जु उसका नाम होता है, ठीक है। तो ये मेरुरज्जु और मेरुदंड में अंतर समझ में आया। अभी हम देख रहे थे कि माइंड के या फिर ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, तो ब्रेन के यहाँ पर तीन पार्ट, कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। अब यहाँ पर इन सबके भी अलग अलग अपने पार्ट हैं। फोर ब्रेन देखेंगे तो फोर ब्रेन के हमने कितने पार्ट्स यहाँ पर दिखाए हैं? देखो, हमने कहा कि इस बीच वाले जो डॉटेड लाइन है, इसको छोड़ दिया जाए, ऊपर वाला भाग देखा जाए, तो ये सारा का सारा भाग कौन सा है? फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन में कौन क्या क्या आएगा? एक थैलेमस लिखा है, थैलेमस देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको लाल कलर से ऐसी संरचना, उसके बाद हाइपोथैलेमस यहाँ पर दिख रहा है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस, और यहाँ पर एक मटर के दाने के समान एक छोटी सी ग्लैंड लगी होती है, उस ग्लैंड का नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि भी हमारे कहेंगे फोर ब्रेन का ही पार्ट है, हालांकि वो हम ग्लैंड्स में पढ़ेंगे, यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है। लेकिन हाइपोथैलेमस भी एज ए ग्लैंड वर्क भी करता है और एज ए ब्रेन भी वर्क करता है, इसलिए हाइपोथैलेमस को हम फोर ब्रेन में करेंगे। तो हाइपो देखिए फोर ब्रेन के कितने कितने पार्ट, एक तो थैलेमस हो गया, तो यहाँ पर लिखिए एक तो थैलेमस हो गया, अच्छा इसको सीधी सीधी लाइन तब ज्यादा सही, एक तो थैलेमस हो गया, दूसरा हाइपोथैलेमस,
दूसरा पार्ट, और फिर तीसरा क्या है, तीसरा देखो थैलेमस हाइपोथैलेमस, उसके बाद बीच वाला बाद का ये फैट का बना हुआ एक पार्ट होता है। इस फैटी पार्ट को यहाँ पर हमने नाम दिया, देखो ये फैटी पार्ट को हमने नाम दिया क्या, सेरिब्रम, सेरिब्रम नाम दिया। तो ये सेरिब्रम अगला पार्ट होता है, देखिए सेरिब्रम क्या है, सेरिब्रम मतलब फोर ब्रेन के हमारे तीन भाग, एक थैलेमस, दूसरा हाइपोथैलेमस, तीसरा सेरिब्रम, थैलेमस हाइपोथैलेमस सेरिब्रम। तो ये फोर ब्रेन के हमारे पार्ट्स हो गए। अब इसके अलावा भी आपको यहाँ पर क्या दिख रहा होगा, क्रेनियम दिख रहा है, फिर उसके बाद क्या दिख रहा है, कार्पस कोलेप्सम दिख रहा है, फिर उसके बाद मेनिंजिस दिख रही है, उसके बाद फिर मेनिंजिस मेम्ब्रेन। मतलब देखिए हम इसको फिर से समझाते हैं क्या, कि ये सेरिब्रम किसका पार्ट हो गया, हम कहेंगे फोर ब्रेन का पार्ट हो गया। अब फोर ब्रेन में हम समझेंगे सेरिब्रम क्या होता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आपको क्रेनियम दिख रहा है। अब क्रेनियम का मतलब भैया क्या होता है, खोपड़ी होता है, क्या होता है, खोपड़ी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको मतलब यही मिल जाता है कि क्रेनियम खोपड़ी यहाँ पर क्यों है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि जो मस्तिष्क होता है, जो ब्रेन होता है, वो किस खोखले के अंदर या फिर किस भाग के अंदर सुरक्षित रहता है। तो यही क्रेनियम ही है, इसी खोपड़ी के अंदर ही क्या करता है, माइंड हमारा सुरक्षित रहता है। मतलब आप अगर अपने सर पर देखोगे तो सर बहुत कड़ा दिखेगा, वो हड्डी का एक कंकाल है, क्या हड्डी है, कंकाल है। तो वो कंकाल के अंदर हमारा माइंड स्थित होता है। अगर आप कंकाल को फोड़ोगे देखोगे तो उसके अंदर आपके फैट जैसी संरचना या फिर हम कहेंगे मांसल संरचना दिखेगी, और वही मांसल संरचना आपकी क्या दिखेगी, सेरिब्रम वाला पार्ट दिखेगा। सबसे ऊपर सेरिब्रम होता है, सबसे ऊपर मतलब जो ब्रेन का, ब्रेन की छत जो होती है वो सेरिब्रम होती है। तो सेरिब्रम आपको देखेगा। तो आपसे आपका क्वेश्चन ये है कि माइंड या ब्रेन कहाँ पर सुरक्षित होता है, खोपड़ी के अंदर, ठीक है। अब अगला पार्ट हम यहाँ पर क्या देखते हैं, ये है कार्पस कैलोप्सम। कार्पस कैलोप्सम है ये, अभी हम समझते हैं भैया यहाँ पर सेरिब्रम वाले पार्ट में समझ पाएंगे। और उसके बाद अगला क्या है, मेनिंजिस मेम्ब्रेन। मेनिंजिस मेम्ब्रेन देखिए, मेनिंजिस मेम्ब्रेन कहाँ से कहाँ तक गई है, यहाँ से देखिए, ये सेरिब्रम का पार्ट तो ये है, लेकिन उसके जस्ट ऊपर ऐसे ऐसे लगी हुई एक मेम्ब्रेन है जिसका नाम क्या है, मेनिंजिस मेम्ब्रेन। और पिछले लेक्चर में हमने बताया है कि मेनिंजिस मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, हालांकि यहाँ फिर भी बता दे रहे, मेनिंजिस मेम्ब्रेन जो होती है क्रेनियम के बाद, ये ऊपर क्रेनियम हो गया, उसके बाद मेनिंजिस मेम्ब्रेन, और इसी के जस्ट नीचे हमारा माइंड, ये सुरक्षित रहता है। अब क्या हुआ कि इस क्रेनियम और फिर ब्रेन के मध्य एक मेम्ब्रेन लगी होती है, एक झिल्ली लगी होती है, जिसका काम क्या होता है, जिसका काम यही होता है कि बाहरी आघातों से ब्रेन की सुरक्षा करना, इसका भी काम यही होता है, बाहरी आघातों से ब्रेन की सुरक्षा करना, जिसका नाम क्या है, मेनिंजिस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये मेनिंजिस एक तरह की झिल्ली होती है जो हमारे माइंड को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसके चारों तरफ लगाया जाता है, ठीक है। तो ये तीन पार्ट्स हो गए हमारे फोर ब्रेन के। उसके बाद अगला मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का भैया कोई पार्ट नहीं है, ये अकेला ही है, ठीक है। उसके बाद हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन देखेंगे तो हिंड ब्रेन के भी हमारे अपने अलग अलग भाग हैं। देखिए हमने कहा क्या कि इस वाले भाग को अगर आप छोड़ देंगे, यहाँ से इतना भाग अगर छोड़ दें, तो ऊपर वाला देखें, ऊपर वाला हमने छोड़ा, फिर बीच वाला छोड़ा, फिर इसके बाद यहाँ से नीचे वाले सारा का सारा भाग देखें, तो ये सारा का सारा भाग कहाँ तक आता है, तो हम कहेंगे हैंड ब्रेन में आता है। अब हैंड ब्रेन में सबसे पहला भाग ये क्या है, पोन्स वेरोलाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, पोन्स वेरोलाई, पोन्स वेरोलाई। उसके बाद अगला पार्ट क्या दिख रहा है आपको, मेडुला ओबलोन गोटा दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पर अगला पार्ट इसका क्या है, मेडुला ओबलोन गोटा, मेडुला ओबलोन गोटा, ओबलोन गोटा, ठीक है। अब अगला पार्ट उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, लास्ट में स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड इसका पार्ट नहीं, हिंड ब्रेन का पार्ट स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, हम कहेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है क्या, स्पाइनल कॉर्ड। तो हम स्पाइनल कॉर्ड को यहाँ पर नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इतनी बड़ी नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड बहुत बड़ी है, वो हमारी कमर तक पहुंची है। तो लेकिन जो हमारा हिंड ब्रेन है वो लगभग यही तक है, ठीक है। तो यहाँ से हम स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ते हैं, बाकी देखो एक लीफ जैसी संरचना आपको यहाँ पर दिख रही है, इसी लीफ की संरचना को यहाँ पर हमने क्या नाम दिया, सेरिबेलम। सेरिबेलम और सेरिब्रम में अंतर है, ध्यान रखेंगे, लगभग नाम एक जैसे मिलते हैं और वहाँ पर हमें कंफ्यूजन हो जाती है सेरिब्रम और सेरिबेलम में। तो सेरिब्रम हमारे फोर ब्रेन का पार्ट होता है, जबकि सेरिबेलम किस ब्रेन का पार्ट है, हम कहेंगे हिंड ब्रेन का पार्ट है। तो यहाँ पर अगला पार्ट क्या है, सेरिबेलम, 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 ठीक है। तो अब देखिए सेरिबेलम, इनके हिंदी में भी कभी कभी नाम आओ देख लीजिए भाई, जरूरी है जानना। थैलेमस को थैलेमस ही कहेंगे, थैलेमस हिंदी में भी लिखा मिलेगा, और हाइपोथैलेमस भी हिंदी में ही लिखा मिलेगा।
तो इनके हिंदी नाम और इंग्लिश नाम लगभग सेम है। फिर शिरी ब्रह्म, शिरी ब्रह्म को क्या कहा जाता है, इसको प्रमस्तिष्क कहते हैं। क्या? प्रमस्तिष्क। यहाँ पर हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं प्रमस्तिष्क। हिंदी में शिरी ब्रह्म का मतलब होता है प्रमस्तिष्क। अब शिरी ब्रह्म वाला पार्ट ये बोला, पूरा का पूरा भाग है, प्रमस्तिष्क हो गया। उसके बाद सेरिबेलम है, हिंड ब्रेन का अगला पार्ट है सेरिबेलम। सेरिबेलम को हिंदी में कहते हैं अनुमस्तिष्क। देखो अनु कैसे हम समझेंगे, मस्तिष्क का तो ही भाग है, लेकिन अनु और प्रा क्यों लगा रहे हैं? प्र का मतलब हम ऐसे समझेंगे कि जो बड़ा हो या फिर जो बाद में आया, ऐसे कह सकते हैं। देखो जैसे हम ऐसे समझते हैं कि हम तीन भाई हैं, कितने तीन भाई हैं, हम हो गए, फिर उसके बाद हमसे छोटा एक और है, फिर हमसे एक बड़े हो गए, ठीक है। अब जो हमसे बड़े हैं उनको प्र में रखेंगे, मतलब कि वो हमसे बड़े, वो हमसे पहले है, उसके बाद हम होंगे। लेकिन हमसे जो छोटा है, कभी कभी आपने देखा होगा कि छोटे के लिए अनुज का प्रयोग किया जाता है। अनुज का मतलब हमसे बाद में जो जन्म लिया हो या फिर बाद में उत्पन्न हो, तो अनु का मतलब होता है बाद वाला। तो यहाँ पर देखिए सेरिबेलम का हिंदी में अर्थ हम कहेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर अनुमस्तिष्क होगा। क्या? अनुमस्तिष्क। तो कहीं पर अगर आपको हिंदी में देखने को मिल रहा है प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क में अंतर जरूर स्पष्ट कीजिएगा। अनुमस्तिष्क किसका भाग होता है? पश्चिम मस्तिष्क, जबकि प्रमस्तिष्क किसका भाग होता है? फोरब्रेन का भाग होता है। उसके बाद मेडुला ओब्लोंगेटा, मेडुला ओब्लोंगेटा ही मिलेगा, पोन्स मेडुलाई, पोन्स मेडुलाई के रूप में ही मिलेंगे, पोन्स के रूप में मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ये इनके हिंदी में नाम होता है। देखिए अब ये तो हमने पार्ट बता दिए, अब सबके बारे में एक एक करके हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से तो नहीं, यहाँ से तो बस वही एक आध दो क्वेश्चन बन सकता है कि सेरिबेलम किस मस्तिष्क का भाग होता है, सेरिब्रम किस का भाग होता है, थैलेमस किस मस्तिष्क का पार्ट होता है, हाइपोथैलेमस किस मस्तिष्क का पार्ट होता है, ये सब सारी चीजें हमें यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। अब देखिए सेरिब्रम आपको दिख रहा है, हाइपोथैलेमस दिख रहा है, फिर थैलेमस दिख रहा है। हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सेरिब्रम को आप समझ जाएंगे कि ये फोरब्रेन का पार्ट। मिड ब्रेन एक कड़ी के रूप में का, ऊपर फोरब्रेन है, बीच में नीचे क्या है, नीचे हाइंड ब्रेन है, और बीच में एक लिंक जुड़ी हुई है, और उस लिंक का नाम है क्या? मध्य, मिड ब्रेन होगा, इसका नाम मिड ब्रेन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर है। अब हम आगे लिखते हैं, आगे एक एक करके समझते हैं। देखिए सेरिब्रम क्या होता है, पहले सेरिब्रम से स्टार्ट करें। चलिए सेरिब्रम समझते हैं, प्रमस्तिष्क से बनाएंगे प्रमस्तिष्क या फिर सेरिब्रम। सेरिब्रम प्रमस्तिष्क, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। सेरिब्रम क्या होता, हमने देखो क्या बताया कि ये तो सेरिब्रम, पहली बात तो ये है कि ये किस ब्रेन का पार्ट होता, तो हमने कहा फोर ब्रेन का पार्ट होता है। उसके बाद हम दूसरे पॉइंट में क्या कहेंगे, ये तो ये फोर ब्रेन का भाग है। क्या है? फोर ब्रेन का भाग है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि ये पूरे मस्तिष्क का लगभग 9/10 भाग बनाता है। 9/10 भाग केवल सेरिब्रम होता है। अब उसका मतलब यहाँ पे हम समझते हैं अगले पॉइंट में कि यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। क्या? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग आप कहोगे, चाहे सबसे बड़ा मस्तिष्क कहोगे, दोनों बात एक ही है। देखो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग यहाँ से स्पष्ट हो रहा है, अगर हम पूरे ब्रेन को 10 भाग में डिवाइड कर दें तो उस 10 भाग में से 9 भाग जो होता, पूरा का 9 वाला जो भाग होता, मतलब 9 भाग, 10 में से 9 भाग केवल सेरिब्रम होता है। तो इसको इस रूप में हम कह सकते हैं कि यह सबसे बड़ा भाग होता है। क्या? सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा मस्तिष्क है, सबसे बड़ा मस्तिष्क है, ठीक है। क्या समझे भाई? सबसे बड़ा मस्तिष्क कौन सा है? सबसे बड़ा मस्तिष्क तो सेरिब्रम है। उसके बाद अगला पॉइंट हम कहेंगे कि यह सबसे ज्यादा किस चीज का बना होता है? एक तो मांस संरचना होती है, लेकिन उस मांस में क्या सबसे ज्यादा उपस्थित होता है? तो सबसे ज्यादा फैट उपस्थित होता है। क्या? फैट, सबसे ज्यादा फैट पाई जाती है इसमें, सबसे ज्यादा मात्रा में फैट पाई जाती है। अब फैट का मतलब आप समझिए, वसा पाई जाती है, ठीक है। अब अगला पॉइंट ये है कि सेरिब्रम को जब हमने कहते हैं सबसे बड़ा मस्तिष्क है, इसका मतलब इसका काम भी बड़ा होता हो, बिल्कुल काम बड़ा है। उसका मतलब ये जब काम बड़ा है तो हम कहेंगे कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान होगा। भाई ऐसे समझिए कि एक कोई, हमने क्या डिपार्टमेंट लिया था, अब
ये समझाने के लिए, डिपार्टमेंट में जो सबसे ऊपर का अधिकारी होता है, जो सबसे बड़ा होता है, ऐसा समझिए कि वो सबसे ज्यादा शिक्षित है, सबसे ज्यादा जानकार है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान, उसी लिए तो उसे सबसे बड़ा कहा गया। इसका मतलब सेरी ब्रह्म वाला जो पार्ट होता है, ये हमारे पूरे के पूरे ब्रेन का सबसे बुद्धिमान मस्तिष्क है। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे बुद्धिमान मस्तिष्क किसको कहा जाता है, सबसे बुद्धिमान मस्तिष्क वह सेरी ब्रह्म होता है। अब लिख लीजिए यहाँ पर सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है, ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा बुद्धिमान मस्तिष्क, सबसे ज्यादा बुद्धिमान मस्तिष्क कौन सा होता है, तो हम कहेंगे सेरिब्रम होता है, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स किसके हो गए, सेरिब्रम के हो गए, प्रमस्तिष्क के भाग हो गए। लेकिन अभी इतने से समझ, अभी यहाँ पर समझ मतलब सीमित नहीं है, इसके कार्य मतलब फंक्शंस क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं, वो इसको मिटा रहे, देखिए। अब अगला पॉइंट क्या है कि हमारे शरीर ब्रह्म का काम क्या होता है, भैया आपने बताया तो सबसे बड़ा मस्तिष्क है, इनका काम भी बड़ा होता है, कौन सा काम होता है, देखिए एक चीज तो इनका, इसकी जो बनावट होती है ये दो लोबों में होती है, दो हेमिस्फीयर में होती है। हेमिस्फीयर का मतलब समझते हो, गोलार्ध, गोलार्ध कहते हैं, जैसे अर्थ को हम ऐसे बांट दें, ऐसे देखो ऐसे बांट दें, मान लेते हैं कि ये एक गोला है, एक गोला है, इस गोले को हमने दो भागों में कर दिया। अब ऊपर वाला भाग ये अलग गोलार्ध जिसको कहते हैं, ये गोले का अगला भाग है और ये गोले का आधा भाग, तो हेमिस्फीयर का मतलब गोला, ठीक है। अब देखिए हमने क्या कहा कि सेरिब्रम को दो किस में भाग बांटा गया होता है, तो हेमिस्फीयर में। देखो इसको कैसे हम डिवाइड करते हैं, इसको इस तरह से एक छोटा सा फिगर यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समझेंगे बात को, ऐसे बनी होती है मस्तिष्क, ऐसे होती है। देखिए ये दो पार्ट है, ये पूरे का पूरा, मतलब हम कहेंगे हमारी खोपड़ी का टॉप व्यू, खोपड़ी को आप टॉप व्यू से देखिए तो ऐसे दिखेगा, खोपड़ी को अपने उसका क्रेनियम वाला पार्ट उठा करके देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। लेकिन अब क्या है कि इस दोनों पार्टों के बीच में यहाँ पर एक लिंक जुड़ी हुई है, ये एक लिंक जुड़ी हुई है, ठीक है, एक लिंक जुड़ी हुई है, और इस लिंक का नाम हमने यहाँ पर लिखा है कार्पस कैलोसम है। इस लिंक का नाम क्या है, तो इस लिंक का नाम भैया कार्पस कैलोसम, कार्पस कैलोसम। लेकिन अब यहां पर देखो ये हेमिस्फीयर, ये राइट हेमिस्फीयर है, राइट हेमिस्फीयर, और फिर ये क्या है, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट। अब राइट लेफ्ट का मतलब कैसे समझते हो, राइट वाला राइट हैंड के साइड साइड वाला पार्ट राइट वाला भाग, और लेफ्ट वाले भाग का लेफ्ट वाला भाग, तो ये लेफ्ट हेमिस्फीयर हो गया, ये राइट हेमिस्फीयर हो गया। इनके बीच में इनको जोड़ने के लिए, दोनों अलग अलग होते हैं लेकिन दोनों को जोड़ा जाता है एक लिंक के माध्यम से, जिसका नाम क्या होता है, कार्पस कैलोसम। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है, देखो इनके बीच में, देखो इनके बीच में क्या होता है, एक छोटा सा यहाँ पर देखो भाई, ये यहाँ पर इतना निशान है, निशान का मतलब इतना इतनी जगह छूटी हुई है, ये देखो इतनी जगह यहाँ पर छूटी है, फिर इतनी जगह ये छूटी हुई है। अब इस जगह का नाम पूछता है, इस जगह का नाम पूछता है, जगह का मतलब ये खाली स्पेस है, इस स्पेस, जैसे मान लेते हैं हम क्या, आपने फेफड़े तो देखा होगा, फेफड़े लंग्स को देखा होगा, तो लंग्स हमारा कैसे बना होता है, हम कहेंगे कि ये हमारी स्टेनम हड्डी होती है, उसके बाद ऐसे फिर ये यहाँ पर ऐसे लगे होते हैं। अब इनके मध्य में यहाँ पर देखो ये स्पेस बचता है, तो इस स्पेस का नाम पूछता है कभी कभी, तो इसी तरह से यहाँ पर इसके इस स्पेस का नाम होता है, इस स्पेस का नाम सल्कस होता है, क्या सल्कस, इस स्पेस का नाम क्या है, सल्कस, सल्कस। अब सल्कस कहाँ के स्पेस का नाम है, तो हम कहेंगे सेरिब्रम के दोनों हेमिस्फीयरों के मध्य जो खाली स्थान होता है, उसी खाली स्थान का नाम क्या होता है, सल्कस। हाँ, जो हमारा अभी हमने कहा था कि ये लंग्स के जो लंग्स, दोनों लंग्सों के मध्य में जो खाली स्थान होता है, उसका नाम होता है मीडिया स्टेनम स्पेस, क्या नाम होता है, मीडिया स्टेनम स्पेस, क्या नाम होता है, मीडिया स्टेनम स्पेस। अब देखो सल्कस हो गया, फिर कार्पस। अब देखो कि ये दोनों हेमिस्फीयरों की संरचना कैसे दिखेगी आपको, ऐसे ऐसे उठी उठी दिखेगी, मतलब कहीं पर उठी ही तो कहीं पर गहरी ऐसे दिखेगी, मतलब हम इसको कैसे समझाते हैं आपको, देखिए ऐसे ऐसे संरचना आपको दिखाते हैं, ऐसी ये संरचना आप देख रहे हो, अगर ऊपर टॉप व्यू से मस्तिष्क को देखोगे तो सेरिब्रम दिखेगा आपको, सेरिब्रम किस रूप में दिखेगा, तो कहीं पर उठा हुआ तो कहीं पर गहरा, कहीं पर उठा हुआ तो कहीं पर गहरा, कहीं पर उठा हुआ तो कहीं पर गहरा भाग दिखेगा,
मतलब हम कहेंगे कि ये फैटी या मांसल संरचना होती है लेकिन ऐसी दिखती है जैसे ये आपस में मुड़ी हुई हो, ऐसे जबरदस्ती उनको उसी में ठूस कर भरा गया हो, ऐसे मुड़ी गई, मुड़ी हुई संरचना के रूप में। तो इस मुड़ी हुई संरचना को गायरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गायरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गायरस कहा जाता है। देखिए इनको क्या कहा जाता है? गायरस कहा जाता है। क्या समझे? गायरस। हाँ, अब गायरस यहाँ पर एक बात और है, गायर एक जगह और यूज होता है। गायर, गायर यूज होता है कहाँ पर? ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में कहाँ पे है? तो हम कहेंगे कि जब हम वाटर करंट के बारे में पढ़ते हैं तो वाटर करंट में यूज होता है गायर। गायर क्या होता है ऐसे हम समझा देते हैं। जैसे आप एक गिलास पानी लीजिए, एक गिलास पानी लीजिए और उस पानी को क्या कीजिए, ऐसे किनारे से तेजी से घुमा दीजिए, किनारे से तेजी से घुमा दीजिए। अब होता क्या है कि किनारे वाला पानी घूमने लगता है लेकिन बीच में आप देखेंगे तो वो पानी हल्का सा घूमता हुआ, किनारों की अपेक्षा घूमेगा जरूर लेकिन हल्का सा और शांत दिखता है, किनारों की अपेक्षा ज्यादा शांत दिखता है। तो ऐसी स्थिति को गायर कहा जाता है। मतलब ऐसा लगेगा कि बाहर का पानी, किनारों का पानी आकर के अंदर जा रहा है, किनारों का पानी आकर के अंदर। वो तो थी बात गायर की, लेकिन गायरस है। गायर और गायरस में अंतर समझिए। गायर क्या है? गायरस कहाँ पर है? तो हम कहेंगे कि ये हमारे सेरिब्रम के ऊपर जो उठी हुई संरचना या फिर बैठी हुई संरचना होती उन्हीं को गायर कहा जाता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है कि इस राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर का मतलब क्या है भैया, इनका काम क्या होता है यहाँ से होने का? तो देखिए इनका काम बड़ा ही इंपॉर्टेंट, अभी कहा हमने कि ये सबसे ज्यादा बुद्धिमान मस्तिष्क होता है। अब देखो कैसे तो हम ऐसे बताएंगे। राइट हेमिस्फीयर, एक बात आप ये समझ लीजिए कि जैसे ये हमारा दाहिना वाला हाथ है, दाहिना वाला हाथ है, तो दाहिने वाले हाथ का मतलब कि ये राइट हेमिस्फीयर हमारा कहीं इधर पर होगा और फिर लेफ्ट हेमिस्फीयर कहीं हमारा इधर पर होगा। आप ऐसे समझिए, जो बच्चे, जो छोटे बच्चे या फिर जो लोग राइट हैंडेड होते हैं, जो लोग राइट हैंडेड होते हैं या फिर हम कहेंगे जिनका राइट हेमिस्फीयर वाला ब्रेन या सेरिब्रम ज्यादा एक्टिवेट होता है उनका काम क्या होता है, और उसके बाद जिनका लेफ्ट हैंड, जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं या फिर जिन व्यक्ति का लेफ्ट हेमिस्फीयर वाला पार्ट ज्यादा एक्टिव होता है उन दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए काम, फंक्शन यहाँ पर इनका काम देखिए, वर्क क्या होता है सेरिब्रम का वर्क। तो हम इसको राइट हेमिस्फीयर अलग करते हैं और फिर लेफ्ट हेमिस्फीयर अलग करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हेमिस्फीयर अलग करते हैं। अब देखिए कि जो व्यक्ति लेफ्ट हैंडेड होते हैं और जिनका लेफ्ट हेमिस्फीयर ज्यादा एक्टिव होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर हमारे बॉडी के राइट वाले पार्ट को कंट्रोल करता है। बात ऐसे समझिए कि जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है वो बॉडी के राइट वाले पार्ट को कंट्रोल करता है और जो राइट हेमिस्फीयर होता है वो बॉडी के लेफ्ट वाले पार्ट को कंट्रोल करता है। अगर पूरी बॉडी को हम ऐसे खड़े रूप में डिवाइड कर दें वर्टिकली तो क्या होगा, ये राइट हेमिस्फीयर यहाँ पर होगा। अब राइट हेमिस्फीयर का काम क्या होगा, ये इस वाले पार्ट को, मतलब बॉडी के इस पार्ट को कंट्रोल करेगा, लेकिन ये वाला जो भाग है यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट हेमिस्फीयर है। लेफ्ट हेमिस्फीयर का काम क्या होगा, ये बॉडी के इस वाले भाग को कंट्रोल करेगा, मतलब राइट वाले पार्ट को कंट्रोल करता है। अब भाई हमने क्या बताया कि कुछ बच्चे लेफ्ट हैंडेड होते हैं, कुछ राइट हैंडेड। अब लेफ्ट और राइट हैंडेड का मतलब यहाँ से हम कुछ अर्थ निकाल सकते हैं। देखो कैसे, राइट हैंडेड का मतलब जो बच्चे राइट हैंडेड होते हैं या फिर जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं उनका काम, राइट मस्तिष्क क्या करता है कि ये हम कहेंगे म्यूजिक अवेयरनेस को ज्यादा बढ़ाता है। क्या? म्यूजिक। यहाँ पर राइट के रूप में हम क्या लिख रहे हैं, म्यूजिक अवेयरनेस, म्यूजिक अवेयरनेस। उसके बाद हम कहेंगे इनकी जो मतलब यहाँ पर एक रुचि होती है वो किस में होती है, हम कहेंगे कला में होती है। कला का मतलब हम कहेंगे जैसे कोई फिगर देख लिया, फिगर को बहुत जल्दी वो क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो यहाँ पर कला का उनके मन, मतलब मन में या फिर ब्रेन में कला की जो रुचि होती है वो ज्यादा एक्टिव होती है। फिर उसके बाद म्यूजिक, फिर अवेयरनेस, फिर उसके बाद कला, फिर उसके बाद कोई जैसे एक 2D फ्रेम होता है या फिर 3D फ्रेम होता है, तो जैसे होता क्या है कि 2D और 3D दोनों में थोड़ा सा बनाने में ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पर राइट हैंडेड में हम कहेंगे 3D वाला पार्ट बहुत जल्दी ये लोग बना देते हैं। जैसे अभी हम इस ब्रेन को बनाए हैं, अब ब्रेन को अभी हमने केवल 2D पार्ट में बनाया, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस हमारे ब्रेन को क्या कर सकते हैं, इस ऐसे बना देंगे जैसे लगेगा कि सीधा सीधा किसी व्यक्ति का माइंड काट करके यहाँ पर रख दिया, 3D पार्ट में बना। लेकिन उसके बाद लेफ्ट हैंडेड में क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड में क्या होता है
कि यहाँ पर रीजनिंग या फिर कैलकुलेशन या फिर मैथमेटिक्स या फिर हम कहेंगे कि साइंस के रूप में, साइंस के क्षेत्र में जो ज्यादा रुचि होती है वो यहाँ पर होती है। जैसे हम यहाँ पर कैलकुलेशन रखते हैं, क्या कैलकुलेशन, फिर उसके बाद रीजनिंग, फिर उसके बाद मैथमेटिक कैलकुलेशन या फिर मैथमेटिक्स जो भी कहते हैं मैथमेटिक्स, फिर उसके बाद और आगे लिखें साइंस, ठीक है। ऐसे देखिए अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अभी हमने कहा कि राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट वाले भाग को कंट्रोल करता है और लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट वाले भाग को कंट्रोल करता है। अब राइट के रूप में, राइट के नीचे हमने क्या लिखा, म्यूजिक अवेयरनेस लिखा है, कला लिखा है या फिर 3D फॉर्म बनाना है कोई, उसको हमने लिखा। उसके बाद फिर लेफ्ट हेमिस्फीयर के नीचे हमने क्या लिखा है, कैलकुलेशन, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, ये उसके बाद मैथमेटिक्स, फिर साइंस, ये सभी हम पार्ट हमने लेफ्ट हेमिस्फीयर के रूप में लिखा। अब देखो कि राइट हेमिस्फीयर क्या काम करता है, वो बॉडी के लेफ्ट भाग को कंट्रोल करता है। ऐसे समझिए कि जिस व्यक्ति का राइट हेमिस्फीयर ज्यादा एक्टिव होता है, ये समझ जाएगा तुरंत उसकी कैलकुलेशन, मैथमेटिक कैलकुलेशन ज्यादा अच्छी होगी, रीजनिंग अच्छी होगी, डिसीजन मेकिंग में अच्छा होगा वो, या फिर मैथमेटिक्स अच्छी होगी, साइंस में वो, साइंस के क्षेत्र में वो ज्यादा अच्छा होगा। कैसे है कि जिस व्यक्ति का राइट हेमिस्फीयर ज्यादा एक्टिव होगा वो क्या क्या कर लेता होगा, कैलकुलेशन, रीजनिंग, मैथमेटिक्स या फिर इन सभी चीजों को कर लेता है बहुत जल्दी आसान तरीके से। लेकिन जिस व्यक्ति का लेफ्ट हेमिस्फीयर ज्यादा एक्टिव होता है वो इस वाले पार्ट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता, वो ज्यादा प्रवीण नहीं होता, ज्यादा निपुण नहीं होता। ज्यादा निपुण किस में होता है, वो म्यूजिक में होता है, कला में होता है ना, आर्किटेक्चर या फिर ऐसा कह सकते हैं उसमें होता है, या फिर कहेंगे 3D फॉर्म बनाना हो उसमें होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर, तो जिसका लेफ्ट हेमिस्फीयर ज्यादा एक्टिव होगा वो म्यूजिक, फिर कला, फिर 3D फॉर्म बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट रखता होगा। अब यहाँ से एक बात और होगा कि कभी कभी होता क्या है कि कुछ बच्चे हमें ज्यादा इंटेलिजेंट दिखते हैं या फिर कुछ बच्चे ऐसा मिल जाते हैं जो मंद बुद्धि के दिखते हैं। अब होता क्या है, कैसे, देखो कि ये हमने बताया था सल्कस, ये सल्कस क्या है, इन दोनों के मध्य स्पेस का अंतर है, इन दोनों के मध्य क्या है, स्पेस है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चों में यही सल्कस ज्यादा बड़ा हो जाता है। सल्कस मतलब इन लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर के मध्य जो स्थान है वो ज्यादा बड़ा हो जाता है। ज्यादा स्थान हो जाने के कारण से जो बच्चे होते हैं उनकी जो इंटेलिजेंस पावर होती है वो कम हो जाती है। क्या, इंटेलिजेंस पावर कम हो जाती है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो मंद बुद्धि के हो जाते हैं। कैसे समझेंगे, मंद बुद्धि कम होगा, कम मतलब कब कम होंगे, सॉरी ऐसे कब मंद बुद्धि के होंगे बच्चे, जब सल्कस या फिर कहेंगे लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर के मध्य जो खाली स्थान है वो ज्यादा बड़ा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से ऐसे पॉइंट होते हैं, और फिर सेरिब्रम के कार्य हमने देखा, कार्य क्या है, कैलकुलेशन, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, म्यूजिक अवेयरनेस या फिर कला, इन सभी चीजों को रेगुलेट करना या कंट्रोल करने का काम किसका होता है, तो सेरिब्रम का पार्ट होता है। इसीलिए इन सारी चीजों के रूप में इसीलिए सेरिब्रम को इंटेलिजेंस माइंड कहा जाता है, सबसे बुद्धिमान मस्तिष्क कहा जाता है। क्या, सबसे बुद्धिमान मस्तिष्क किसको कहेंगे, सेरिब्रम। समझ में ही बात को कि राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट हेमिस्फीयर इस तरह से की बात। अब आगे हम बढ़ते हैं अगला। अगला पार्ट है थैलेमस को हिंदी में भैया थैलेमस ही कहेंगे, कुछ और नहीं कहेंगे, ये थैलेमस ही। हाँ, अब थैलेमस का काम क्या होता है, तो थैलेमस हम कहाँ दिखा है, देखिए यहाँ पर आपको थैलेमस देखने को मिल रहा है, ये देखिए इसी के जस्ट नीचे, सेरिब्रम के जस्ट नीचे यहाँ पर ये देखने को। अच्छा, ये कार्पस और कैलोसम जो हमने लिखा है ये दोनों भागों को जोड़ने का एक जंक्शन का कार्य करता है, ये यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ऐसे, इस तरह से इसके अंदर ऐसे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये थैलेमस दिख रहा है, थैलेमस का काम क्या होता है, देखिए सबसे पहली बात तो इसकी अगर हम कहेंगे लोकेशन कहाँ पर होती है, तो हम कहेंगे सेरिब्रम के छत के नीचे,
सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम के जस्ट नीचे छोटे से आकार में, मतलब हम कहेंगे एक अंडे के आकार की संरचना यहाँ पर होती, उसी को थैलेमस कहा जाता है। अब थैलेमस का काम क्या होता है, तो थैलेमस का जो काम होता है, देखिए थैलेमस का जो काम होता है वो हमारे जो संवेदांग होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। कितने सेंसरी ऑर्गन्स हैं? सो 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से? आई हो गया आंख, ईयर हो गया कान, फिर नोज हो गया नाक, टंग हो गया जीभ, और अगली क्या है? स्किन हो गया, त्वचा होती है। तो यहाँ पर हम आई और फिर ईयर को हटा देंगे, आई और ईयर को हटा देंगे, बाकी जितने पार्ट्स बचेंगे कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन्स हैं, तो सेंसरी ऑर्गन हम देखेंगे, सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से हैं हमारे यहाँ पर, पांचों नहीं लिखेंगे हम, केवल भैया 3 को लिखेंगे। क्यों? क्योंकि थैलेमस जो होता है वो हमारा 3 भाग को ही कंट्रोल करता है। कौन कौन से? तो हम लिखेंगे स्किन, क्या कौन किसकी स्किन होगी, फिर उसके बाद अगला पार्ट क्या है, तो टंग हो गया और फिर अगला और एक और है, स्किन हो गई, टंग हो गई, और नोज। देखिए इन तीनों सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? थैलेमस का होता है। हाइपोथैलेमस में थैलेमस का काम क्या होगा? नोज को, मतलब किसी वस्तु को या फिर किसी भोजन को या फिर किसी स्मेल को आपको सूंघने की जरूरत हुई तो सूंघने का काम तो नोज करेगी, लेकिन उस पर कंट्रोल कौन रखेगा? तो माइंड का एक पार्ट होगा, फोर ब्रेन का एक भाग है, थैलेमस कंट्रोल करेगा। उसके बाद स्किन का मतलब त्वचा। त्वचा का मतलब क्या कि जैसे ये हमारी बाहरी त्वचा है, अब ये बाहरी त्वचा है, इस पर आप क्या करोगे, रगड़ोगे तो क्या रगड़ने की जो फीलिंग्स जनरेट होगी वो कौन कंट्रोल करेगा? थैलेमस। या फिर इसी त्वचा पर हम बाहर से आघात कर देते हैं, बाहर से मारते हैं तो इसको चोट लगी, इसी चोट लगने वाले पार्ट को कौन कंट्रोल करता है? थैलेमस कंट्रोल करता है। या फिर क्या होता है, कभी कभी ज्यादा एल्कोहल कंजम्पशन से, कभी कभी होता है कि जब व्यक्ति ज्यादा एल्कोहल पी लेता है या फिर शराब नशा ज्यादा कर लेता है तो उसको आप मार दो तो उसे असर नहीं होता। उसको यदि आप मार दो, 2-4 थप्पड़ मार दोगे भी तो उसे असर नहीं होता। कारण क्या होता है कि उसका जो थैलेमस वाला पार्ट होता है वो डीएक्टिवेट हो जाता है कुछ समय के लिए, जब तक उसे ज्यादा नशा होती तब तक ये इफेक्ट हो जाता, मतलब डीएक्टिवेट हो जाता। जब एक्टिवेट ही नहीं रहेगा तो इसका मतलब क्या, उसे फील ही नहीं होगा कि किसी ने उसे मारा है, किसी ने उसे उस पर बाहरी आघात किया। अब जब फील नहीं होगा तो उसका मतलब कुछ वो जवाब नहीं दे पाएगा, रिएक्शंस नहीं दे पाएगा उसके ऊपर, ठीक है। तो ये बाहरी आघातों को कौन रिएक्ट करता है, तो हम कहेंगे थैलेमस। अभी जैसे आप रोटी बना रहे हो, कभी कभी होता है कि आपकी उंगली जा करके तवे पर छू जाती है। अब क्या, जैसे तवे पर छुई तैसे तुरंत आपने हटाया, मतलब बाहर से टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। बाहरी टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करता है, तो थैलेमस बाहरी टेम्परेचर को। अब यहाँ पर देखिए, जैसे नोज का मतलब सूंघने का काम हो गया, नोज का मतलब क्या, सूंघने का काम हो गया। फिर उसके बाद अगला देखिए सूंघना और छींकना बात अलग अलग है। छींकते भी है नोज के माध्यम से, लेकिन हम यहाँ पर अगर छींकने की बात आगे तो वो गलत होगा, वो यहाँ पर ये कंट्रोल नहीं करता छींकने वाली बात, लेकिन सूंघने वाली बात होगी तो कौन सा भाग कंट्रोल करेगा, थैलेमस। अब स्किन में क्या कहा हमने, बाहरी आघात, क्या लिखोगे, बाहरी आघात को कंट्रोल करता है। उसके बाद फिर अगला क्या है, अगला हम कहेंगे बाहरी टेम्परेचर भाई तवे पर आपने हाथ रखा तुरंत जल गया आपने हटाया, वो बाहरी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद देखो टंग हो गया, टंग का मतलब जीभ। अब जीभ का काम क्या होता है, स्वाद को चखना। देखिए बात यहाँ पर अलग होंगी, एक तो मुख में लार आना और दूसरा फिर स्वाद को चखना। तो जीभ का काम ये नहीं है कि मुख में लार जनरेट करना, लेकिन जीभ का काम ये जरूर है कि स्वाद को चखती है। तो यहाँ पर स्वाद चखने की बात होती है तो वो कौन सा कंट्रोल करता है, थैलेमस कंट्रोल करता है। स्वाद चखने की बात होती कि आपने चीनी खाई, खट्टी है या मीठी है, कैसी लगेगी, वो माइंड का कौन सा भाग बताएगा, खट्टी है मीठी है, तो थैलेमस वाला पार्ट बताएगा। आपने मिर्चा खाया, वो तीखा है मीठा है कैसा भी है, वो थैलेमस वाला भाग। अगर यही थैलेमस डीएक्टिवेट हो जाता है तो आप चीनी खाइए मिर्ची खाइए कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा,
है ना, थैलेमस वाला पार्ट अगर उसका डिएक्टिव होता है तो इस तरह से ये चखने वाली बात। हाँ, अब एक बात हमने बताया लार जनरेट करने की बात, जैसे आपने भोजन को देखा तुरंत आपके मुख में लार जनरेट हो जा रही, तो देखिए भैया यहाँ पर लार जनरेट होने की बात थैलेमस कंट्रोल नहीं करेगा, लार जनरेट होगा तो थैलेमस नहीं कंट्रोल करेगा, क्यों? क्योंकि वो एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, अनैच्छिक क्रिया है, लेकिन स्वाद चखने की जो बात होगी उसको कौन कंट्रोल करेगा? थैलेमस। अब लार जनरेट होती है उसको कौन कंट्रोल करता है? उसको हम दूसरे पार्ट में बता, दूसरे मतलब ये हाइपोथैलेमस में बताएंगे कौन वो कंट्रोल करता है, या फिर दूसरे पार्ट में ये यहाँ पे बताएंगे जहाँ पे वो होगा। तो सूंघने की बात बाहरी आघात या फिर बाहरी टेम्परेचर, फिर स्वाद चखने की बात कौन कंट्रोल करता है? थैलेमस कंट्रोल करता है। तो ये थैलेमस के काम थे। अब अगला है हाइपोथैलेमस। अगला क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हिंदी में भी इसको ऐसे ही कैसे हैं कहते हैं हाइपोथैलेमस। देखिए अब ये कहाँ पर होता है, तो देखिए इसी फोर सेरिब्रम के जस्ट नीचे एक फोर ब्रेन का पार्ट होता है। पहली बात तो ये हम क्या लिखेंगे, फोर ब्रेन का पार्ट है। फिर उसके बाद ये स्थित कहाँ पर होता है, तो थैलेमस के जस्ट बगल छोटी सी संरचना होती है और इसी छोटी सी संरचना को यहाँ पर थैलेमस कहा जाता है। ठीक है, अब थैलेमस का जो फंक्शन है क्या है, फंक्शन मतलब कार्य, फंक्शन का काम, इनका काम क्या है? तो थैलेमस भैया दो तरीके से काम करती है, एक ग्रंथि के रूप में भी काम करती है और फिर किस रूप में काम करती है, एक ब्रेन के रूप में काम करती है। अब ग्रंथि तो हम यहाँ पढ़ नहीं रहे, तो ग्रंथि के बारे में हम नहीं बताएंगे। पहला तो दूसरा भाग क्या है, दूसरा ये है कि ये ब्रेन के रूप में कार्य करती है। ब्रेन का मतलब मस्तिष्क, मस्तिष्क के रूप में कैसे काम करती है, देखो मस्तिष्क के रूप में जैसे कैसे काम करती है, जैसे आपको भूख लगने की बात हुई, प्यास लगने की बात हुई, आपको किसी से हेट हो गया, किसी से लव हो गया, मतलब हम कहेंगे कि जो आपकी फीलिंग्स जनरेट होती है वो किस माइंड में जनरेट होती है, तो हम कहेंगे हाइपोथैलेमस। देखिए भूख लगना, यहाँ पर इसका काम क्या है, भूख लगना किसका काम होता है, कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। भूख लगना, फिर उसके बाद प्यास लगना, भूख लगना, प्यास लगना, फिर उसके बाद और है घृणा, किसी के प्रति घृणा उत्पन्न होना, घृणा, घृणा उत्पन्न होना, ठीक है, फिर उसके बाद प्यार होना या फिर प्यार उत्पन्न होना, प्यार उत्पन्न होना, फिर उसके बाद इमोशंस, भावनाओं, भावनाओं को कंट्रोल करता है ना, भावनाओं का उत्पन्न होना, भावनाओं का उत्पन्न होना, जैसे कि कोई भिखारी जा रहा है, अब भिखारी जा रहा है या फिर भिखारी ने आपसे कुछ मांगा कि थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, तो उस भिखारी को देख करके आपके मन में क्या दया का भाव उत्पन्न होता है। भाव शब्द जैसे ही आए तुरंत समझिएगा कि ये हमारे माइंड का कौन सा भाग कंट्रोल कर रहा है, सो हाइपोथैलेमस। दया होगी, घृणा हो गया, पाप हो गया, है ना, ये सब भाव है हमारे, तो इन सबको कौन कंट्रोल करता है, तो हम कहेंगे हाइपोथैलेमस कंट्रोल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करने की बात होती है। भूख लगना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कई बार पूछा गया है भूख प्यास के बारे में, बहुत बार पूछा गया, तो ये आप याद रखेंगे, भूख लगना, प्यास लगना, घृणा उत्पन्न होना, प्यार होना, भावनाओं का उत्पन्न होना, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, अब एक बात ठीक है, क्या होता है, देखो कहते हैं दिल टूट जाता है ना, दिल कभी नहीं टूटता होता है, हाइपोथैलेमस ब्रेक हो जाता है। तो ये सारी चीजें थी, देखो अब हमने सेरिब्रम के बारे में पढ़ लिया, देखो या फिर सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मतलब फोर ब्रेन के बारे में हमने पढ़ लिया है। और अब अगला भाग क्या है, सो मिड ब्रेन है, और फिर अगला और उसके बाद का पार्ट कौन सा होगा, तो हम कहेंगे उसके बाद हैंड ब्रेन बचा है, उसको हम अगले लेक्चर में बताते तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इतना पढ़िए, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन. Never miss an update.